हेलो गाइस, मैं हूँ पीजे के दिलवाले की टीम से दुल्हनिया, और दिलवाले की दुल्हनिया हम ले जाएंगे। हरमेन भैया की टीम पूरी फुल फॉर्म में है और जीतेंगे, उसके बाद जश्न मनाएंगे। जय हो। देखिए, मैं इतनी हल्की भी नहीं हूँ, इसलिए हल्के में मार लेना। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट हाँ, खेलूंगी अच्छा और सबकी छुट्टी कर दूंगी, देखना। नंदली, सबकी छुट्टी कर देंगे धर्मेंद्र के शोले। धर्मेंद्र के शोले और मैं वीर के दमंग। आज हमारा फर्स्ट मैच है वीर के दबंग के साथ, धर्मेंद्र के शोले की टक्कर है और हमारी शुरुआत हो रही है। सब तैयार होके 2 बजे मिलने वाला था हम खजराना मंदिर, पर मेरी वजह से मैं लेट हो गया, बाकी सब पहुंच गया, फोन पे फोन लगा रहा है। और हम सबसे पहले खजराना मंदिर में भगवान का, अपने गणेश जी का दर्शन करके बाकी जो होगा जो तुम देखोगे ही सही। और देखो, ये विन्नी ने लेट करवाया है, सबसे ज्यादा धर्मेंद्र भैया ने लेट कराया है। हम लोग बहुत देर से आ चुके थे और धर्मेंद्र भैया अब जाके कार में रेडी हुए और हम लोग कब से रेडी हो गए थे। झूठ बोल रहे, इसकी बात मत मानना बिल्कुल भी। देखो तुम्हें पता है लड़कियां कितनी झूठ बोले, वहां से तुम समझ जाओ। कितनी भी बार मेरा नाम ले पर तुम मत मान जो मेरी वजह से लेट हुआ, इनकी वजह से लेट हुआ, क्योंकि मैं कप्तान, हमारी थोड़े गलती हो सकती। ये अब हम मंदिर में आ गया है और ये हमारी पूरी टीम बैठी है। अब सब यूं बोलेगा कि मैं लेट आयो, पर बात कोई की बात पे विश्वास मत कर दो। लेट आयो आप, बहुत ज्यादा विश्वास ही मत करो। नहीं, मैं बहुत लेट आया है, पर हम लोग ना विश्वास दिया, 2 बजे का टाइम दिया था इनने। मैंने तुमसे पहले ही कही की थी ये सब यही बात बोलेगा, तुम पर विश्वास मत कर दो। इधर लाओ, बहुत बहुत आदमी बेकार हो तुम, 2 बजे का टाइम बाद में चालू करता हूँ मैं ना। यही सोच रहा हूँ कि मैं विजय भैया को मैनेजर रख लूँ, पर इसमें फायदा है, मैं डांस भी सीख लूंगा और डांस की फीस भी देनी नहीं पड़ेगी। ये हम सब पांव धो के अभी अंदर जाएगा, देखो सब निकल गया, मैं पीछे देख रहा हूँ। बहुत फेमस आदमी है पंडित जी, इसको तो भैया हमने यहाँ पूरा दर्शन कर लिया है भगवान का। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा टर्फ के लिए, क्योंकि 3 बज गई है। गणपति बप्पा मोरिया। सुबह महाराज के मोबाइल में जय गणेश। तो अभी हम मंदिर से दर्शन करके यहाँ से निकले हैं सब, और बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत एनर्जी आ गई हो शरीर में। तो चलो अभी सब मिलते हैं जीडी टर्फ पे। यस, तो ये है हमारा टर्फ, यहाँ पे क्रिकेट होने वाला है और सारे खिलाड़ी हमारे आ गए हैं, सब टाइम के पक्के हैं हमारे खिलाड़ी, टाइम से 5-10 मिनट पहले आ गए सब। इसके लिए एक बार मैं ताली बजाऊंगा, नहीं 2 बार बजाऊंगा। मैं धर्मेंद्र के शोले हमारी पूरी टीम से तुम्हें मिलवाता हूँ, आओ जल्दी जल्दी आओ। ये है हमारे रंजीत भैया, तो कैसे लग रहे हो तुम्हें अपना फर्स्ट मैच है ना? अभी आप ये मत समझना कि पी खा के आए हम, धर्मेंद्र के शोले गिरते पानी में भी भक्का मार के बताएंगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आगे आओ। और ये है हमारे सुनील शेट्टी जी, आज तो हम जीत के जाएंगे क्योंकि मैं ना जीतू ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे हरा दो। क्या बात अब्बा। और ये है हमारे इंदौरी गोविंदा, तो धर्मेंद्र भैया की टीम पूरी फुल फॉर्म में है और जीतेंगे, उसके बाद जश्न मनाएंगे। जय हो। सुन ली, अब इधर आ जाओ। अरे किधर, इधर आ जाओ। ये है हरलीन, ये हरलीन है, लंबे लंबे सिक्स मारती है, हल्के में मत लेना। बोलो। देखिए, मैं इतनी हल्की भी नहीं हूँ, इसलिए हल्के में मार लेना। सुन ली, अब इधर आ जाओ। ये है अंजलि,
ये बॉलिंग भी अच्छी करती है और बैटिंग भी अच्छी करती है, कितने सिक्स मारोगी? सुन ली, अब इधर आ जाओ। ये फूड ब्लॉगर भी है और बहुत अच्छी खिलाड़ी है, तो अपना फर्स्ट मैच है, कैसा लग रहा है? कैसे खेलोगी, कितने सिक्स मारोगी, बताओ जल्दी। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट हाँ खेलूंगी अच्छा और सबकी छुट्टी कर दूंगी, देखना। सुन ली, सबकी छुट्टी कर देंगे धर्मेंद्र के शोले। तो ये हमारी पूरी टीम थी, कैसे लगे तो हमें मिलके, और हम पूरी तरीके से तैयार है, बस ये पानी लपड़ो कर रहे है। अंजलि तो वो खड़ी है। जय श्री राम बोल। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, शाम में आपको सबसे ज्यादा पैसों में खरीदा गया और हमको 10-20 रुपए में खरीदा गया। तो हमारी पूरी टीम रेडी है, बिल्कुल शोले अभी जलने वाले हैं। अरे पानी बुझा रहे हैं शोले। ये पानी की गलती है, पर कोई बात नहीं, हम शोले को बुझने नहीं देंगे और हमारी टीम पूरी तरह से रेडी है। पहला मैच हमारा है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये बारिश ना हो तो हम लोग मजा से खेलेंगे। चश्मा उतार के खेलेंगे। बारिश आए उतार के खेलेंगे, बारिश आए या तूफान आए, हम धर्मेंद्र के शोले यहाँ पे अंगारे ही गिराएंगे। हाँ पहलवान, पानी आने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन हमने ना तवा उल्टा रख दिया है, 2 मिनट में बंद हो जाएगा ना, फिर दिखाएंगे गर्मेन के छोले, बने रहे हो भाई। तो हो तो गई, जय राम जी की। लो चौपल का है क्या? सेहत के लिए क्या बता रहा हूँ देखो। हेलो गाइस, मैं हूँ पीजे के दिलवाले की टीम से और दुल्हनिया, और दिलवाले की दुल्हनिया हम ले जाएंगे। कैसे नहीं हो सकता, देखो देखो ये हमारी टीम में, मतलब ये हमारी टीम में है, मतलब रिश्वत ले चुकी है। खरीद रहे तुम मुझे? खरीदा चुकी हो तुम? आप मुझे गांव घुमाओगे? मैं बिक गई। 5-6 दिन तुम्हें पूरा गांव घुमाया जाएगा, नरसिंहगढ़ घुमाया जाएगा। मैं बिक गई। टीना इतनी सस्ती नहीं हो सकती। मैं गांव घूमना बहन, गांव ठीक है, गांव घूम सकती। एक खिलाड़ी को तो हमने ले लिया है, अभी छक्के नहीं मारना तुम्हारे टाइम में ना। हाँ चलो भैया, पानी नहीं आएगा। और ये हमारी टीम देखो, सारी अभी लंच कर रही है। क्या लंच बोलते हैं? बजट हमारा बहुत ज्यादा है, इसे स्नैक्स बोलते हैं। हजरान चले गए थे। धर्मेंद्र के शोले और मैं वीर के दमंग। हाँ तो आज हमारी होगी टक्कर, बहुत खतरनाक। हाँ हाँ, अब फलानी और ढिमकी बहुत मारेंगे हमारे। हाँ। चलो रेडी। तुम करो, मैं करूँ। कौन कर रहा हेड? धर्मेंद्र भाई आज जीत गए टॉस, अब दो शेरों में होने वाली है टक्कर, मजा आएगा। तो अभी शोले जलेंगे और दमंग दबंगेंगे, दबंगों पे भारी पड़ेंगे शोले। चलो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? कल जीत के बॉलिंग। ऑल द टीम्स आर रिक्वेस्टेड टू कम नियर द शेड रेड बुल। जिस चीज का हम सबको इंतजार था, आईएपीएल की आगाज है आज, तो कैन वी चीयर एटलीस्ट वंस? एक बार जोरदार शोर हो जाए, कम ऑन, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर देम। तू मुझ में कहीं बाकी है, बाकी रहा है सीने में।
पहले दो टीम जिनका मैच होने वाला है वो है धर्मेंद्र के शोले, एक बार जोरदार तालियां, और वीर के दबंग, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और की एंट्री पहले उनकी बॉलिंग है तो पहले धर्मेंद्र के शोले की एंट्री होगी। तो लेट्स हैव बिग राउंड अप्लॉज फॉर धर्मेंद्र के शोले, का जोरदार तालियां, एंड लेट्स कैन वी प्ले दैट म्यूजिक ऑफ धर्मेंद्र के शोले। आवर फर्स्ट टीम जो ये पिच को एंटर करेगी दैट इज धर्मेंद्र के शोले, और कैन वी प्ले दैट म्यूजिक ऑफ धर्मेंद्र के शोले, और आप लोग का एंट्री करेंगे हमारे पास धर्मेंद्र के शोले के साथ। सपनों की गोली हर ऊट पटंगा, हनी जो चला ले की जेब पे खाली, कदम कदम पे पंगा, हम उड़ा रहे हैं कोई चॉइस सजा देंगे। हम पूरी तैयार है, हम रेडी है लेने के लिए। देखो इनका जोश, बोल के दिखाओ तो धर्मेंद्र के शोले। अच्छा विजय भाई, विजय को दिया क्या बात है, सुबह वाले की टीम से विजय को दिया गेट टू वॉच, और देखते हैं कि आज धर्मेंद्र के शोले के किस तरीके से अपने शोले यहां पर जीटी टॉप में बरसाते हैं। चलो सुपर ओवर इसके बाद का दो लड़कियों को एक नहीं, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये गलत शॉट यहाँ पर, लेकिन एक रन मिलेगा यहाँ। अंपायर डिसीजन आउट, क्या ये बड़ा झटका यहाँ पर फिर से लग सकता है। एम्पायर का इशारा आउट है यहाँ पर, और मानना पड़ेगा एम्पायर को। और ये घुमा के मारा यहाँ पर, एक रन मिलेगा। स्ट्राइक पे है हर्षित, और ये घुमाया यहाँ पर, लेकिन फिर हाथ में, फिर से ये क्या हो गया। बहुत यहाँ पर धर्मेंद्र के शोले, आज काफी पूजा पाठ करके आए थे आज, लगता है जलवा दिख रहा है यहाँ पर। और ये तीसरी गेंद, और ये कैप्टन वीर ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कैप्टन वीर ने घुमाया, बड़ी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। देख पा रहे हैं स्ट्राइक में विजय बॉलिंग कर रहे हैं कैप्टन वीर, और बड़ी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन, लेकिन बढ़िया स्ट्राइक पे आ चुके हैं वापस से वीर। जीतने के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए, के लिए कुछ ना कुछ करना होगा यहाँ पे कैप्टन वीर को। अभी पांच और बचा, अभी धर्मेंद्र के शोले उसी के साथ में धर्मेंद्र के शोले यहाँ पर जिंदा बरस गए हैं और जीत चुके हैं। ये मैच का बड़ा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। पीछे के दिल वाले अंदर आ जाए फटाफट, ओम के सितारे के सितारे, और पीछे के दिल वाले पीछे के दिल वाले और ओम के सितारे दोनों ही रेडबुल टीम, पीछे के दिल वाले और ओम के सितारे रेडबुल के शेड के नीचे आ गए। वेल प्लेड, क्या बात है, बहुत बढ़िया खेला आप लोगों ने, क्या बात है, जय हो। अरे वाह यार, दोनों ही टीम फिलहाल से मेडल पहना है हमारे जबरदस्त खिलाड़ी को। दूसरी टीम में वो
रेडी हो जाए पीछे के दिन वाले आपको धर्मेंद्र की सोलो के लिए जोरदार तालियां और आप लोग खड़े हो जाएं एक फोटो के लिए ग्रुप फोटो के लिए 1 2 3 तो भैया हमारा वीर के दबंग के साथ धर्मेंद्र के शोले का मैच पूरा हुआ और ये है हमारे वीर भाई। भाई मेरे को हार कर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब हम जीत गया तो भी ये जीत गया, बात एक ही बस ये कि पीछे मेरा अंडरवियर जल गया था मेरा अंडरवियर पूरा जल चुका है और इसलिए मैं नया चेंज करूंगा। फिर भी हमारी सेटिंग हो गई, धर्मेंद्र भाई ने बोल दिया कि गाय गिफ्ट कर देंगे मेरे को, ये जीतेंगे तो भी हम जीते तो भी ये तो जीते, तो ये बुरे नहीं मान रहे, देखो हम पूरे नहीं मान रहे, पूरे टीम के साथ ये देखो हमारी पार्टी चल रही है। देखो एक बारूल बैठी, बारूल है, इसने ओपनिंग करी थी और ये इधर इनका नाम मुझे नहीं पता, ये आयुषी है और हमारी तनिष्का है। धर्मेंद्र भाई आपको बहुत बहुत बधाई है, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपकी टीम जीती है। हाँ जीते भाई की टीम जीते, नेक्स्ट मैच में भगवान चाहेगा तो हम भी जीतेंगे जरूर जरूर। चलो